हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम दिखाऊंगा कि हमारा एक सबसे बड़ा फेलियर वाला प्रोजेक्ट जो मैंने आधे हिस्से में मैंने इसको छोड़ दिया क्योंकि मैं इसमें बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया था। उसके बाद फिर भी नहीं हुआ तो मैं इससे गिव अप कर लिया क्योंकि इतना ज्यादा इन्वेस्ट करने के बाद भी अगर कुछ उसमें कुछ हासिल ना हो तो मैंने अभी के लिए इसको तो गिव अप कर लिया। इसका जो मेन प्रॉब्लम था कि इस पे पेल्टियर लगता, तो ये मेरा एक होममेड रेफ्रिजरेटर तो ठंड होने वाला, तो यहाँ पे सब कुछ मैं इंतजाम करा था लेकिन क्या हुआ, पेल्टियर मैंने लगाते ही ये खराब हो गया था। वैसे भी इस पे कुछ खास ठंड नहीं हो रहा था, तो उसके बाद मैं दो पेल्टियर लिया था वो भी खराब हो गया तो मैं इसको छोड़ दिया क्योंकि पेल्टियर का लगभग प्राइस 200 रुपया पर पीस आती है, तो फिर से हमारा 200 रुपया और लगेगा तो मैं इसलिए इससे गिव अप कर लिया। तो मैं बाद में इसका मैं जो फ्रेम है अभी तक रखा हूँ, तो कुछ दिन बाद ट्राई करेंगे फिर से और देखेंगे क्या होता है। तो सब कुछ यहाँ पे इंतजाम है, आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा सिर्फ पेल्टियर लगेगा, यहाँ पर हमारा सिर्फ एक पेल्टियर लगेगा और यहाँ से हमारा कूलिंग के लिए फैन है। तो मैं इसका वीडियो बनाया था लेकिन सक्सेस नहीं मिला तो मैंने उसको अपलोड नहीं किया। तो आज मैं आप लोगों को इसलिए दिखा रहा हूँ कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट हो उसके पीछे काम करना पड़ता है, फिर हमारा सक्सेस मिले या ना मिले उसका ऊपर वो उसका इंट पर ही पता चलता है। तो और भी बहुत सारा हमने किया था लेकिन उसको मैंने रखा नहीं, वो उसको छोड़ दिया, लेकिन मैंने इसको काम के लिए रखा है। कुछ दिन बाद इसको फिर से ट्राई करेंगे कि कैसे इसके अंदर कुछ ठंड किया जाए, तो देखते हैं। कुछ दिन बाद मैं इसको फिर से ट्राई करूंगा गर्मी आने पर, तो फिर से इस पे हम पेल्टियर लगा के देखेंगे। देखिए यहाँ पे मेन प्रॉब्लम, यहाँ पे पेल्टियर का मेन प्रॉब्लम है कि उसका पावर जो कंजम्पशन है वो बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत ज्यादा पावर लेता है लेकिन उसके मुकाबले वो उतना हीट जो कूलिंग है वो उतना नहीं दे पाता। यहाँ पे देखिए उसका जो कूलिंग के बिना वो कूलिंग भी नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा, फिर भी उसका जो पावर लेगा अराउंड वहां पे जितना उसका एफिशिएंसी है काफी कम, लगभग 40% उसका एफिशिएंसी मिलता है, बाकी सब कुछ उसका वेस्ट होता है। तो उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा लो है जिसके कारण वो बहुत ज्यादा पावर लेते हैं उसका अंदर जो भी है, तो एनपीएन चलन करके वहां पे सेमीकंडक्टर रहता है तो बहुत ज्यादा पावर लेता है लेकिन उसके मुकाबले वो इतना कूलिंग नहीं दे पाता। तो इसमें शायद बहुत दो तीन और पेल्टियर लगने से शायद ठंड हो पाए, लेकिन उसके लिए लगभग आपको पावर वेस्ट करना पड़ेगा, लगभग 400 वाट तक आपको पावर वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें तो आपका फुल एक फ्रिज चल जाएगा, 500 वाट पर आपका फ्रिज एक चल जाएगा, लेकिन इसके अंदर सिर्फ इस छोटे जगह पर आप अगर 300 वाट पावर इन्वेस्ट करेंगे तो इसमें क्या फायदा है ना। तो ऐसा है कि इसमें ज्यादा मैंने जो भी पेल्टियर का मेरा एक्सपीरियंस हुआ कि पेल्टियर उतना सिर्फ प्रोजेक्ट के लिए ठीक है, मैं कुछ प्रोजेक्ट बना उसलिए ठीक है, लेकिन अदरवाइज उसका यूजेस उतना खास नहीं है, उतना उसका एफिशिएंसी भी नहीं मिलता और उसका जो कूलिंग है वो उतना बढ़िया नहीं मिलता। लेकिन ऑब्वियसली उससे कुछ बन सकता है, उससे आप खुद एक फ्रिज बना सकते हो जैसा मैंने बनाया, लेकिन खास इस पे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैंने यूट्यूब पर देख के ही बनाया था लेकिन उन्होंने तो बढ़िया दिखा रहा है कि अच्छा ठंड हो रहा है लेकिन उस पे बहुत ज्यादा पावर लगता है, ये इसका मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और देख लीजिए, तो सब कुछ बना हुआ है एकदम फिनिश, मैंने करके रखा था लेकिन बाद में मेरा अच्छा नहीं लगा तो मैंने इसको छोड़ दिया। तो बाद में नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है, इन पे क्या मिलता है हमको। तो आज के लिए इतना ही, बाय।